तौर से इस मत का हूँ कि कृष्ण जन्मभूमि पर बलात् रूप से जो मस्जिद खड़ी की गई है, मुसलमान भाइयों को बड़ा दिल करके, क्योंकि भगवान कृष्ण इस धरती के कण कण में समाये हुए हैं, अगाध हमारी श्रद्धा है, और देश के अंदर देश के बाहर लोग उनको पूजनीय मानते हैं, प्रेरणा का पुंज मानते हैं, तो मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि वो अपने को दिल चौड़ा करके और वो जो हिस्सा जो दबा रखा है मस्जिद के रूप में वो हिंदुओं को कृष्ण भगवान कृष्ण को सौंप दें। और दूसरे इस्लाम में ये प्राविधान लिखा हुआ है कि यदि गैर कानूनी तरीके से यदि कहीं मस्जिद बनाई गई है, यदि वहाँ पर इबादत की जाएगी तो खुदा उस इबादत को स्वीकार नहीं करेगा। तो खुदा की बात ही मान लो भाई, खुदा ने जो कहा है उसी को स्वीकार कर लो। तो इसलिए मैं इस मत का हूँ कि वहाँ पर जो मस्जिद है वो हटनी चाहिए। कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट फैसला करे, और मैं इसके लिए कृष्ण जन्मभूमि पर क्या नाम है जो जो पुण्य का काम है, ईश्वरीय काम है, श्रेष्ठ काम है, मेरा पूरी तरीके से प्रतिबद्धता है, पूरी तरीके से मैं उसके लिए उस काम के लिए का समर्थन। आपकी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को ताकतवर बनाने के लिए, बहुमूदी बनाने के लिए अभी संसद के अंदर 3 किसानों के हितों में कानून बनाए। ये कानून जब ज़मीन पर आ जाएंगे तो किसान का चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा, उसकी तस्वीर और तकदीर सभी बदल जाएंगे। और ये कानून ऐतिहासिक कानून, परंतु विरोधी दलों के, कांग्रेस और अन्य जितने विरोधी दल हैं, उन्होंने एक गलत प्रचार करके किसानों को बरगलाने का काम किया है। मैं इसी दृष्टि से पार्टी के सारे सांसद, बड़े बड़े नेता हर जिले के अंदर जा रहे हैं, बंद कर दो। तो मैंने आज पत्रकार साथियों के साथ, अपने जनता युवा मोर्चा के लोगों के साथ, इस मंडल के लोगों के साथ मैं इन सब चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने 60 वर्ष देश के ऊपर राज किया, किसान का लहू पिया, और आज जो किसान की तबाही है, बर्बादी है, इन्हीं कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल है वो उनकी एक साजिश का परिणाम। कांग्रेस ने हमेशा नीतियां ऐसी बनाई जो किसान जो है कभी ताकतवर न बने, इस प्रकार की नीतियां बनाई। उसी देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के बार बार ये कह रहा है, बाहर आके कह रहा है जनता के बीच में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, मंडियां चलेंगी। हाँ, इतना जरूर है। तो इसके बाद भी प्रधानमंत्री संसद में खड़े कर रहे हैं और आप इसके बाद भी और गुमराह लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिकता है दूषित है, खराब है।